दुनिया तक पर देखिए टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। सबसे पहले बात करते हैं इटली की, जहां ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए दिलचस्प उपाय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन उपायों से न सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार कम होगी, बल्कि पर्यावरण को भी इससे खासी मदद मिलेगी। मीलों दूर तक दिखते ग्लेशियर को बचाने का काम करते लोगों की ये कोशिशें न सिर्फ अनोखी हैं, बल्कि काबिले तारीफ भी हैं। तस्वीरें उत्तरी इटली के प्रोसीना ग्लेशियर की हैं, जहां ये चंद लोग 120,000 वर्ग मीटर से ज्यादा इलाके के इस ग्लेशियर को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। दरअसल बढ़ते तापमान के चलते इटली का ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर आ गया है। यही वजह है कि गर्मी के मौसम में ग्लेशियर को बचाने के लिए उसके ऊपर एक सुरक्षा परत चढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये काम कोई पहली बार किया जा रहा है, हर साल इटली की सरकार इस काम को करवाती है, जिसमें करीब एक महीने का समय लगता है। 95 साल की उम्र में फुर्ती से चलती महारानी एलिजाबेथ की तस्वीरें देख अच्छे अच्छे लोग भी रशक करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे फुर्ती के साथ महारानी इस गार्डन का मुआयना कर रही हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महारानी एलिजाबेथ प्रिंसेस एन के साथ स्कॉटलैंड की यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में वो कभी ग्लासगो का दौरा करती हैं तो कभी एडिनबरा का। तस्वीरें ग्लासगो में मौजूद एक गार्डन की हैं, जहां महारानी और उनकी बेटी प्रिंसेस एन घूमने आई थी। गार्डन में घूमते वक्त महारानी वहां मौजूद लोगों से मिलती दिखी, साथ ही मधुमक्खी पालन से जुड़ी बातें भी जानी। चमकीली धूप और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाने जाने वाले ब्राजील में इन दिनों सर्दी का मौसम चल रहा है। ब्राजील के दक्षिणी सूबे सेंटा कैटरीना में लगातार 3 दिनों से जारी बर्फबारी के चलते शहरों में बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फबारी से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया है। लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए सड़कों पर उतर आए। हालांकि ब्राजील के दक्षिणी हिस्से में बर्फबारी कभी कदार ही होती है, इस बार लगातार 3 दिनों की बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही है। लोग सड़कों पर जमकर लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। कई लोग अपनी कारों से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे हफ्ते ठंड का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन अब बर्फबारी की संभावना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पहले फ्रांसीसी कमांडर थॉमस पेस्कॉट ने अंतरिक्ष में अपनी कुकिंग की कला को पेश किया। थॉमस ने अंतरिक्ष में स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट से बना एक खास व्यंजन पेश किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए थॉमस ने लिखा, चाल कदल के मेरे सहयोगी मेरे कला को खत्म हो जाने से काफी निराश थे। उनकी ही मांग पर पेश है स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट से तैयार ये खास व्यंजन। बता दें कि थॉमस पेस्कॉट और नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने 23 अप्रैल को 6 महीने लंबी अल्फा मिशन की शुरुआत की थी। 20वीं शताब्दी के मशहूर स्पेनिश पेंटर पाब्लो पिकासो की 9 साल पहले चोरी हुई 2 पेंटिंग को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही पेंटिंग चुराने के संदेह में 50 साल के एक मजदूर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब इस पेंटिंग को एथेंस में नेशनल गैलरी में फिर से प्रदर्शित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद एथेंस के बाहरी इलाकों में एक नदी के सूखे तल में प्लास्टिक में लपेटी हुई दोनों पेंटिंग बरामद की गई। बता दें कि नेशनल गैलरी को 9 साल चले पुनर्निर्माण कार्य और महारानी के कारण कई महीनों तक बंद रखने के बाद हाल ही में खोला गया है।